अक्टूबर से हो चुकी है और इसका समापन 24 अक्टूबर 2023 से होगा। इस साल माता रानी का आगमन हाथी पर हुआ है। वैसे तो नवरात्र साल में 4 बार आते हैं। हर नवरात्रि का अपना महत्व भी होता है, लेकिन शारदीय नवरात्रि पूरे देश में काफी ज्यादा उत्साह से मनाई जाती है। शारदीय नवरात्रि का पर्व 9 दिन तक शक्ति साधना का पर्व है, जिसे पंचांग के अनुसार अश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवमी तिथि तक मनाया जाता है। नवरात्रि में 9 दिनों के दौरान हर दिन माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। भक्त 9 दिनों का व्रत रखते हैं और चारों तरफ भक्ति का माहौल रहता है। इस दौरान माँ के मंत्रों का जाप भी फलदायी होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माँ भगवती का सबसे प्रभावशाली मंत्र कौन सा है? अगर नहीं तो आइए आज इस वीडियो में इस पर बात करते हैं। आपको ये भी बता दें कि इन मंत्रों को नवरात्रि में जरूर जाप करें, क्योंकि ऐसा करने से सारे काम सफल होते हैं। तो आइए आपको मंत्र के बारे में बताते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवी धात्री स्वाहा सद्वा नमोस्तुते। इसका अर्थ है जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवी धात्री और स्वधा, इन नामों से प्रसिद्ध माँ जगदम्बे, आपको मेरा नमस्कार है। जयंती मड़गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवी धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ये अग्रिला स्तोत्र का पहला श्लोक है। ओम का संपूछ लगाकर इस श्लोक का पाठ किया जा सकता है, जैसे ओम जयंती मड़गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवी धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। अग्रिला स्तोत्र होने के कारण ये अनुष्टुप चंद पर आधारित है। अनुष्टुप चंद में 32 वर्ण होते हैं और ओम के बिना भी ये श्लोक पूर्ण है। मान्यता है कि महामारी से निदान के लिए इस मंत्र का जाप बहुत प्रभावशाली है। आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं और मंत्र जाप में कठिनाई हो तो इसको सुन भी सकते हैं। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है, तो चलिए नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा विधि जानते हैं। सबसे पहले सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनें, फिर मंदिर की सफाई करें। अब माँ दुर्गा की प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाएं, उन्हें अक्षत कुमकुम धूप और दीप अर्पित करें। दुर्गा स्पतशती दुर्गा स्तोत्र या दुर्गा चालीसा का पाठ करें। माता रानी को खीर या दूध से बनी चीजों का भोग लगा सकते हैं। इसके साथ ही माँ चंद्रघंटा के बीज मंत्र या उनके अन्य मंत्रों का जाप करें। माँ दुर्गा समेत सभी देवी देवताओं की आरती भी उतारें। आपको बता दें कि नवरात्रि के तीसरे दिन ओम देवी चंद्रघंटाए नमः का 108 बार जाप भी जरूर करें। माँ चंद्रघंटा को सफेद कमल या पीले रंग का फूल भी अर्पित कर सकते हैं। इस खबर में बस इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।